हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पागल बॉलीवुड। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की टॉप 5 न्यूज़ों के बारे में और चलते हैं बॉलीवुड की गलियों में। फर्स्ट इज शेन वॉन के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर। रणवीर सिंह, शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार ने जताया दुख। शेन वॉन, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉन का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके निधन की खबर आग की लपटों की तरह तेजी से फैली। बॉलीवुड के भी कई कलाकारों ने उनके निधन पर सदमा जताते हुए दुख प्रकट किया। इनमें शिल्पा शेट्टी, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, अनिल कपूर, अजय देवगन जैसे कलाकार शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी शेन वॉन का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह अपने पीछे परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों को सदमा देकर चले गए। उनके जाने से बॉलीवुड के कई कलाकारों ने सोशल मीडिया पर दुख प्रकट किया है। इसके पहले फॉक्स स्पोर्ट्स ने शेन वॉन के निधन की पुष्टि करते हुए एक वक्तव्य जारी किया था। उन्होंने कहा था, शेन वॉन अपने घर पर मृत पाए गए। उन्हें बचाने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन वह नहीं बचाए गए। सेकेंड इज अक्षय कुमार ने भी प्रांग से फिर मिलाया हाथ। इस धासु प्रोजेक्ट के साथ आएंगे नजर। अक्षय कुमार और बी प्रांग की जोड़ी ने पिछले कुछ समय में एक के बाद एक हिट म्यूजिक वीडियोस दी हैं। फिलहाल और फिलहाल 2 नाम के गानों को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। अब दोनों की जोड़ी अपना तीसरा गाना लाने के लिए भी तैयार है। खबरों की माने तो पिछले कुछ हफ्तों में भी प्रांग और अक्षय सर जितनी बार संभव हो सका उतनी बार मिले हैं। उन्होंने एक गाना बनाने का फैसला लिया है ताकि वो अपनी इक्वेशन को आगे बढ़ा सके। वहीं क्रू जो आपके लिए फिलहाल और फिलहाल 2 लेकर आया है, एक म्यूजिक वीडियो स्क्रिप्ट पर काम कर रहा है। लक्ष्य है कि गाने में इमोशन नजर आए। वीडियो को जल्द से जल्द शूट किया जाएगा। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया कि नुपुर इसका हिस्सा होंगी या नहीं। फिलहाल और फिलहाल 2 दोनों ही गानों में अक्षय कुमार के साथ कृति सैनन की बहन नुपुर सैनन नजर आई थी। दरअसल दोनों की कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, लेकिन इस बार कुछ अलग करने की उम्मीद की जा रही है। वैसे अक्षय ने ही सबसे पहले बी प्रांग फिल्म केसरी के गाने का मौका दिया था। बी प्रांग का गाना तेरी मिट्टी बहुत पॉपुलर हुआ था। हाल ही में बच्चन पांडे में भी बी प्रांग के गाना गाया है, इसलिए भी अब दोनों के साथ आने की उम्मीद और ज्यादा है। थर्ड इज शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने पहुंच रहे हैं स्पेन। बुल फाइट वाले फेमस स्टेडियम में खूब होगी मारधाड़। शाहरुख खान अपनी अगली फिल्म पठान की शूटिंग को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। शाहरुख लंबी चलने वाली अपनी इस फिल्म की शूटिंग के लिए स्पेन जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उनके साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी होंगे। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान स्पेन में इस गाने के लिए और एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग करने वाले हैं। बता दें कि ओमिक्रॉन की वजह से आउटडोर शूटिंग पर प्रतिबंध लगाया था और इसी वजह से शूटिंग में भी देरी हुई। इसके बाद शाहरुख खान आर्यन वाले केस में व्यस्त हो गए। स्पेन में होने वाली शूटिंग का एक मुख्य लोकेशन का स्टेडियम भी है जो कि बुल फाइट के लिए खूब फेमस है। यहाँ फिल्म के कुछ एक्शन सीन की भी शूटिंग होनी है। यह फिल्म शाहरुख खान के साथ लीड रोल में नजर आएगी। दीपिका पादुकोण ने एक सॉन्ग सीक्वेंस की शूटिंग के लिए स्पेन जाने की तैयारी में है। फोर्थ इज अमिताभ बच्चन के झुंड ने तोड़े सभी रिकॉर्ड्स। पहले ही दिन इतनी कमाई। कल यानी 4 मार्च को अमिताभ बच्चन की मोस्ट अवेटेड फिल्म झुंड रिलीज हो गई। उम्मीदों पर खरा उतरते हुए फिल्म ने शुक्रवार को यानी पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की। वास्तविकता को दर्शाने वाली यह फिल्म लोगों को खासा पसंद आ रही है और शायद यही वजह है रही है कि फिल्म ने पहले ही दिन करीब 8 से 10 करोड़ का बिजनेस किया। फिल्म में अमिताभ बच्चन का रोल लोगों को काफी पसंद आ रहा है।
यह कहना गलत नहीं होगा कि अमिताभ बच्चन ने अपने शानदार अभिनय से लोगों का दिल एक बार फिर जीत लिया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने स्पोर्ट्स कोच विजय बोराड़े के रूप में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। फिफ्थ इस सलमान खान के साथ शादी की फोटो पर आया सोनाक्षी सिन्हा का रिएक्शन, ऐसे एक्ट्रेस ने कही ये बात। सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की गुपचुप शादी से जुड़ी फोटो कुछ दिनों पहले जमकर वायरल हुई थी। हालांकि बाद में पता चला कि यह फोटो माफ की है और फोटोशूट को एडिट किया गया है। वायरल होते होते जब यह तस्वीर सोनाक्षी सिन्हा तक पहुंची तब एक्ट्रेस का रिएक्शन भी आया। सोनाक्षी सिन्हा ने इंस्टाग्राम पर कमेंट करते हुए अपनी बात कही। सोनाक्षी सिन्हा ने इस फोटो पर फर्जी बताते हुए उन लोगों का मजाक उड़ाया है जो इसे सच मानकर चल रहे थे। सोनाक्षी ने इस फोटो पर रिएक्शन देते हुए कहा, क्या आप इतने बेवकूफ हैं कि आप असली और माफ फोटो में फर्क नहीं कर सकते। इसके साथ ही उन्होंने हंसी वाले इमोजी भी लगाए। बता दें कि कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस फर्जी तस्वीर को शर्मनाक और मजाकिया बताया।